इस ब्रिज को 1998 के 15 ये ब्रिज जो है बनने के बाद ग्वालपरा डिस्ट्रिक्ट का थोड़ा वो जो की कोई तक मारो मुझे मारो 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 छात्रों को राजनीति पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ। आइए दोस्तों, आज हम जिस जगह जा रहे हैं वो 1998 से ही बहुत फेमस है। वो सिर्फ हमारे ग्वालपरा हमारे आसाम के बारे में नहीं है, पूरा इंडिया के लोग इस चीज़ के बारे में जान चुके थे 1998 में। वो है नरनारायण सेतु ब्रिज। मैंने आपको एक वीडियो में पहले भी बताया था नरनारायण सेतु ब्रिज के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वहाँ पे ले चलते हैं, उसके बारे में आप लोगों को बहुत सारा इन्फॉर्मेशन देंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। यहाँ पे एक कल्चरल रैली चल रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है दिखने में। सब लोग अपना अपना ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के निकला है। यहाँ पे आसाम का हर जनजातीय लोगों का झलक देख सकते हो आप, बहुत खूबसूरत नजारा है देखने में। रैली तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, एक बार हाय बोल ही देता हूँ। हाय, कैसे हो दोस्तों? और दोस्तों, ये है मेरा सबसे फेवरेट ड्रेस, मेखला चादर विद जापी, क्या खूबसूरत है, वाओ। और एक बात दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी बिना ड्रोन के ड्रोन शॉट देखे हो? चलो मैं आज आप लोगों को दिखाता हूँ। इसे कहते हैं बिना ड्रोन के ड्रोन शॉट। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं जाऊंगा मेरा बाइक पर। ये मेरा बहुत पुराना बाइक है, इसका नाम है धन्नो, मेरे दिल के बहुत करीब है। अरे रुको 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 रुको, पहले धन्नो की हवा चेक कर लेते हैं। यार धन्नो की पहियों की हवा। इस बाइक की भी कहानी है, कभी आप लोगों को जरूर दिखाऊंगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चल धन्नो, आज तेरे भाई की वीडियो का सवाल है। ये है ईद का मैदान, यहाँ पे हर साल ईद का नमाज अदा किया जाता है। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं पंचरत्न रोड, यहाँ पे गाना गाने का अलग ही मजा है। मेरे अंदर बचपन से ही गाने का बहुत कीड़ा है, तो गा लेते हैं यार। ये जवानी है दीवानी, हक मेरी रानी, रुक जाओ रानी, देख जरा पीछे मुर के, चली कहाँ से उर के, गिली गिली अक्का, गिली गिली अक्का, गिली गिली अक्का, पिली 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 पिली। दोस्तों ये जो आप फेरी देख रहे हो, ये ब्रिज बनने से पहले फेरी बहुत फेरी चलता था यहाँ पे, लेकिन अभी फेरी का हालत देख सकते हो आप, बहुत ही ख़राब है, क्योंकि सब फेरी बंद हो चुका है ना अभी ब्रिज बनने के बाद। इसे कहते हैं लौंडे लपाटे, एटीट्यूड की भंडार लिए खा रहे या फेंक रहे उसका कोई पता पता नहीं। ये रास्ता देख के मेरे अंदर के गाने का कीड़ा फिर से बिलबिला रहा है दोस्तों, एक बार फिर से गा ही लेते हैं। ये हंसी वादिया, ये खुला आसमां, आगे हम कहां है मेरे साजना। दोस्तों अभी आप आगे देख सकते हो वो रहा ब्रिज, तो अभी हम ब्रिज के नीचे के पार्ट में जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले गार्ड से परमिशन लेना पड़ेगा, देखते हैं परमिशन देते हैं कि नहीं। तो फाइनली परमिशन मिल गया और हम पहुंच चुके हैं ब्रिज के निचले भाग में। ये ब्रिज जो आप देख रहे हो ये दो पार्ट में बटा हुआ है, नीचे के पार्ट में ट्रेन चलता है और ऊपर के पार्ट में गाड़ी वगैरह चलता है। अभी मैं आप लोगों को ब्रिज के निचले भाग को अच्छे से दिखाने की कोशिश करूँगा। ये ब्रिज का एकदम नीचे का पार्ट है, आप देख सकते हो, देखा कितना खूबसूरत है। ये आप देख सकते हो एकदम सेंटर एरिया में हम आ चुके हैं, कितना खूबसूरत है देख सकते हो आप लोग, कितने सफाई से बनाया गया था। तो दोस्तों यही है पंचरत्न ब्रिज, वन कितना बड़ा ब्रिज है देखो, ये पूरा ग्वालपरा डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा ब्रिज है और ये पूरे ग्वालपरा को बाएंगाँव से जोड़ता है। इस ये ब्रिज जो देख रहे हो आप, ये ग्वालपरा को बोंगाईगांव से जोड़ता है, बोंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट से जोड़ता है, और जितने भी फेरी वाला है सबका काम खत्म हो गया ये ब्रिज बनने के बाद। ब्रिज का नज़ारा देखो, और नया शायद कुछ बन रहा है वहाँ पे, ये भी शायद कोई ब्रिज का जोड़ी बनेगा। दोस्तों वहाँ देख सकते हो आप, एक लड़का मच्छी पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, चलिए देखते हैं वो मच्छी पकड़ा कि नहीं, जानने की कोशिश करते हैं। आइए 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 दोस्तों आइए,
দাদা মাছ ধরব চেষ্টা করে আছে দাদা মাছ পাইছে নাকি নাই বর্তমান লৈকে এটাও ধরব পড়া নাই এটা মাছ পড়া নাই ন চেষ্টা করি তো ভাই মাছ ধরার চেষ্টা করি আছে কিন্তু সব বড়সি বহুত দূর লৈকে আছে কিন্তু নাই এটা আহা নাই আইব লাহে লাহে আইব টেনশন নাই দাদা টেনশন নাই লাহে লাহে চেষ্টা করি আছে পাই যাব পাই যাব পাম বুলি হ টেনশন নাই বাই 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 আর সরি দোস্তো लड़के को हिंदी नहीं आता तो मुझे आसामीस में ही बोलना पड़ा सॉरी रियली वेरी सॉरी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था ब्रिज का दो पार्ट है नीचे के पार्ट से ट्रेन आता है वो आप ट्रेन को आता हुआ देख सकते हो कितना लकी है हम ट्रेन भी चलता हुआ नजर आ गया तो चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं ब्रिज के ऊपर के हिस्से में तो उसके लिए हम लोगों को थोड़ा घूम के जाना पड़ेगा उन लड़कों को देखो वॉलीबॉल खेल रहा है लग रहे हो बेटा लग रहे हो तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं ब्रिज के ऊपरी हिस्से में पर यहाँ पे थोड़ा अभी प्रॉब्लम दिख रहा है मुझे रोड पर आप देख सकते हो ये जो खड्डे दिख रहे हैं ना आप लोगों को इसका जल्दी से जल्दी कुछ करना चाहिए नहीं तो ये दिन ब दिन बढ़ता जाएगा फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकता है इस ब्रिज की नींव रखी थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने सन 1983 के 15 नवंबर के दिन फिर इसके 15 साल बाद श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस ब्रिज का उद्घाटन किया था तब अटल बिहारी वाजपेयी जी इंडिया के प्रधानमंत्री हुआ करते थे इस ब्रिज के ऊपर से आप लोग ब्रह्मपुत्र नदी और सारों और पहाड़ों का लाजवाब नज़ारा देख सकते हो इस ब्रिज के बनने के बाद पूरे आसाम को एक नया पहचान मिला था और ग्वालपारा की खूबसूरती को चार चांद लगाया था इस ब्रिज ने दोस्तों थोड़ी देर पहले आप लोगों को दिखाने की कोशिश किया था नीचे की भाग से नारायण सेतु ब्रिज को अभी जो हम आए हैं ऊपर के भाग में आए हैं आप देख सकते हो ये ब्रिज बहुत खूबसूरत ब्रिज है बहुत बड़ा है ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा ब्रिज है इस ब्रिज को 1998 के 15 यार मारो मुझे मारो 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 बोल रहे हैं पढ़ने लिखने वाले तब पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ IAS बनो और देश को संभालो दोस्तों इस ब्रिज को ओपन किया गया था लोगों के लिए 1998 में 15 अप्रैल के दिन और ये ब्रिज जो है बनने के बाद ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट का थोड़ा वो जो इसकी कोई तक अरे कहना क्या चाहते हो बातों में बोल कर रहूंगा साला दोस्तों इस ब्रिज का उद्घाटन किया गया था 1998 के 15 अप्रैल के दिन ये ब्रिज बहुत ही खूबसूरत है और बहुत मजबूत तरीके से बनाया गया था और एक बात बहुत इम्पोर्टेंट बात इस ब्रिज का लागत कितना आया था आप लोगों को पता है ये ब्रिज 301 करोड़ रुपए में बना था तब के टाइम पे तो अभी 301 करोड़ रुपए में इसका शायद ढांचा भी नहीं बनेगा तो आप लोग समझ सकते हो तो उस टाइम पे पैसों के वैल्यू और अभी का पैसों के वैल्यू में कितना फर्क आया है लेकिन इतना बड़ा ब्रिज बन चुका है तब से और ये ब्रिज जो है 2.2 किलोमीटर इसका लेंथ है और अगर आप साइड बीम पकड़ो तो इस ब्रिज का लेंथ टोटल 3 किलोमीटर बन जाएगा एक इम्पॉर्टेंट बात वो है कि आप लोग मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो मेरा एकदम नया चैनल है ज़्यादा से ज़्यादा एक महीना हुआ है तो आप लोग जितना हो सके मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट करने की कोशिश कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मैं आगे बढ़ पाऊँ और आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूँ और मुझे जितना हो सके प्यार देने की कोशिश करो भाई प्यार का भूखा हो तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद बाय बाय कर दिखाया मैंने कर भाई मज़ा आया दोस्तों आप लोग देख सकते हो इस ब्रिज के ऊपर पैदल चलने वाले लोगों की सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा गया है दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन बट डोंट ट्रैवल योर माता पिता एंड भारत माता की जय